मकराना मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नागौर मकराना उपखंड क्षेत्र के कस्बे बोरावर स्थित गणेश डूंगरी मंदिर परिसर में ई मित्र ग्रामीण संगठन व सेवा प्रदाता जिला समन्वयक सरवन राम आवला के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन समारोह पूर्वक हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि विकास अधिकारी किशोर कुमार थे। समारोह की अध्यक्षता बोरावद CSC के चिकित्सक डॉक्टर राकेश सिंह गुर्जर ने की। समारोह को संबोधित करते हुए विकास अधिकारी ने कहा कि आम आदमी अपने मत का प्रयोग करें और आने वाली 7 दिसंबर को अपने मत से मतदान करें। उन्होंने कहा कि ई मित्र संचालक से प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है और ई मित्र संचालक भी इस पावन कार्य में अपना योगदान देते हुए मतदाताओं को 7 दिसंबर को मतदान करने के लिए जागरूक करें। इससे पूर्व मुख्य अतिथि व अतिथियों द्वारा मतदाता जागरूकता पोस्टर का विमोचन भी किया गया। मौके पर IT विभाग के ओम प्रकाश चौधरी, कुलदीप सिंह, दामोदर पारिख, बोरावद CSC नर्सिंग इंचार्ज हनुमान लाल रायका, स्विफ्ट ग्रामीण प्रभारी डॉक्टर जगदीश प्रसाद चोयल, मास्टर ट्रेनर नरेश कुमार गौड़, गंगा सिंह राजपुरोहित, मोहन राम, बजरंग लाल सहित ग्रामीण क्षेत्र के ई मित्र संचालक मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को EVM व VVPAT मशीन का प्रदर्शन कर मतदान करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। ई मित्र संचालकों को मतदाता जागरूकता पोस्टर का वितरण भी किया गया। मकराना से जितेंद्र सेन की रिपोर्ट। आप ऐसे ही चढ़ा रखे हैं, जिसने भी चढ़ा रखे हैं, और कोई भी अगर हमसे रिलेटेड, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड है, चाहे कोई भी ऐसा कोई फॉर्म है जिस पे कहीं भी विकास अधिकारी के साइन होने हैं, ग्राम पंचायत से ग्राम विकास अधिकारी के साइन होके सबमिट होंगे तो हम उसको अप्रूव कर देंगे, वरना वो आपको सैंड बैग में मिलेगा। मत कुछ फॉर्म ऐसे हैं, जैसे खाड़िया से कौन है पता नहीं मुझे, रानी गांव खाड़िया कालवा, अगर आप में से कोई हो तो वहाँ के फॉर्म 5-5 बार सैंड बैग कर चुका हूँ। अब मैं रिजेक्ट करूंगा, उनको रिजेक्ट करूंगा तो वो कस्टमर जब आएगा तो उससे दोबारा पैसे तुम लोगे नहीं, टोकन तुम्हारा दोबारा कटेगा। तो एक बार सेंड बैग करने के बाद उसको देखो तो सही कि ये सेंड बैग हुआ है, तो अब वो का वो चढ़ा रहे हैं, तो अब अगले की आंखें थोड़ी फूटी पड़ी है कि वो ऐसे ही पास कर देगा उसको। इसलिए जो ई मित्र संचालक है, इसको थोड़ी सी आप और हम अलर्ट नहीं रहे, हो सकता है उस समय सही हुए होंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ उस समय आपने गलत किए हों, लेकिन अब अच्छे से देख लें और उनको ठीक से कर लें। इतना सा ही निवेदन आप लोगों से इस मंच के माध्यम से, पुनः LSP और उनकी टीम को साधुवाद कि उन्होंने मतदाता जागरूकता में अपना अमूल्य योगदान दिया। एक ऐसा इवेंट जो मतदाता जागरूकता को बढ़ाएगा, उसके लिए आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए साधुवाद, हमें आमंत्रित किया उसके लिए धन्यवाद। और मतदाता जागरूकता के लिए आप लगातार अपने सर्विस प्रोवाइड एरिया में सतत कार्य करते रहेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ समस्त उपखंड प्रशासन, मैं रिटर्निंग अधिकारी SDO मकरानी की ओर से आपको सभी को साधुवाद, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिनिधि, मित्र संचालक एवं प्रबुद्ध नागरिक, काफी लंबे समय से एक बड़ी जद्दोजहद चल रही थी कि ई मित्र भी मतदाता जागरूकता में अपनी भूमिका निभाए, और इस हेतु उन्होंने अपने कुछ पोस्टर्स बनाए हैं, वो ई मित्र के दोनों कोनों पे लगेंगे। और आपके पास जब भी कोई कागज निकालते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं, फिल करते हैं, उसकी रसीद देते हैं, हमने आपसे कई बार बात की है, उसके एड्रेस फुटर पर कहीं एक नीचे लिखते हैं 7 दिसंबर को मतदान हाउस से करें, उसकी उस फॉर्म की ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो स्लिप आदमी लेके जा रहा है उस स्लिप के नीचे एड्रेस पे नहीं, फुटर पे निकाल दें, क्योंकि आजकल जितने भी आदेश निकल रहे हैं उन सब में लिख रहा है 7 दिसंबर को मतदान हाउस से करें। यद्यपि ये मंच नहीं है, लेकिन तो आप और हमारे काफ़ी अच्छे और क्लोज संबंध है, क्योंकि आपसे बहुत सारी सुविधाएं जो प्रोवाइड करते हैं उसके कुछ फॉर्म हमारे पास आते हैं। हाल ही में एक तो राशन कार्ड के आप लोगों के बहुत सारे फॉर्म पेंडिंग हैं आपके नज़रिए से, जबकि हमारे नज़रिए से वो सारे अनयूजफुल हैं। आपको लग रहा है कि साहब हमारी इतनी सारी पेंडेंसी पड़ी है और वीडियो साहब क्लियर नहीं कर रहे हैं,
जबकि आप में से कोई भी एक सज्जन जो भी अपने आप को एक्सपर्ट मानता है सुबह मेरे पास आ जाना, एक भी फॉर्म अगर सही है तो जितने भी पड़े हैं 2500 फॉर्म एक को भी बगैर देखे पास कर दूंगा। एक भी जिसने स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म करके फिल करके डाला है ना कि साहब ये फॉर्मेलिटीज होती हैं और मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं, वो एक फॉर्म निकाल लेना और उसे अगर उसमें हो तो 2500 फॉर्म बगैर किसी को देखे एक क्लिक में पास कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि हम केयरलेस हैं, हमें यही नहीं पता कि इसका प्रॉपर फॉर्मेट कौन सा है। नवीन राशन कार्ड की जगह हम डिलीशन वाला फॉर्म चढ़ा रहे हैं, डिलीशन की जगह ऐड वाला फॉर्म चढ़ा रहे हैं, जिसका डिलीट होना है उसकी जगह नए राशन कार्ड चढ़ा रहे हैं। उसके साथ किसी भी अधिकारी कर्मचारी की कोई टिप्पणी नहीं है। ग्रामीण एरिया में विकास अधिकारी के मार्फत केवल और केवल ग्राम विकास अधिकारी अधिकृत होता है, हमें उसके इतर किसी जनप्रतिनिधि से कोई इस बात का गिला शिकवा नहीं कि आप उससे अटेस्टेड करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। करवा रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, हम आपको डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ग्राम विकास अधिकारी का प्रमाण पत्र उसको जरूर चाहिए, क्योंकि विकास अधिकारी हर फार्म का जाके भौतिक सत्यापन नहीं करता और फील्ड में हमारा जो आंख कान नाक है वो ग्राम विकास अधिकारी है। भले ही आपने वार्ड पंच से प्रमाणीकरण करा रखा है, सरपंच जी से करा रखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से करा रखा है, लेकिन हमें ग्राम विकास अधिकारी की मोहर उस पर चाहिए।